Hey there everybody, welcome back to another video. So bina kahi bas gabaye, let's get started. तो आज का टॉपिक है बिग बॉस के ऊपर, बिग बॉस एक हुतियापा। तो बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे 10-12 लोगों को कहीं से उठा के एक घर में बंद कर दिया जाता है 3 महीनों के लिए, और उस घर में माँगिया साला एक आंख खड़ा देता है कि क्या करना है। पता नहीं ये दुनिया क्या से क्या हो गया है। बिग बॉस चाहते हैं सारे घर वाले नागिन डांस करें। सबसे पहले आते हैं टिकटॉक वाले लोग, उसके बाद आते हैं डबल फेस वाले, और उसके बाद आती है वो जनता जो बिग बॉस देखती है। बिग बॉस की 10-12 लोगों की भीड़ में कई प्रकार के प्राणी आते हैं, जैसे कि अजीब, गरीब, चूतिए, छोटे मोटे सेलिब्रिटी, और उसके साथ साथ कुछ यूट्यूबर्स लाइक हिंदुस्तानी भाऊ। बिग बॉस की शो में एंट्री मारने के लिए आपके पास कुछ खास तरह के क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि पहला, आपको झगड़ा करना आना चाहिए। दूसरा, आपको भिन्न भिन्न लैंग्वेज में गाली देना आना चाहिए। तीसरा और आखिर में, आपके पास कुछ कहने धरने को कुछ भी ना हो। इस घर में सेलिब्रिटी के नाम पे जितने भी लोग आते हैं उन्हें भले उनके घर वाले देख के मुंह फेर लें, लेकिन भैया बिग बॉस में आके ऐसा बैकचोदी देते हैं जैसे कि पीएम के साथ उनका हैंगआउट चल रहा है। बिग बॉस इंडिया की एक ऐसा शो है जहाँ पे ज्यादातर चूतिए लोग आते हैं स्वामी ओम की तरह। हाँ जी हाँ, ये वही स्वामी ओम है, वही मालाधारी प्राणी है जो पानी में भागने की वजह से बहुत फेमस है। जो कि अभी अभी कुछ दिनों पहले ओडिशा में आके नया कनाल बनाने की बैकचोदी देकर गया है। भगवान जगन्नाथ ने ही मुझे बिग बॉस के घर में भी भेजा था, और भगवान जगन्नाथ ने ही कोणार्क सूर्य मंदिर का प्रतिरूप बनाने का मुझे आदेश दिया। भगवान को तो और कोई नहीं मिला तेरे जैसे चूतिए के अलावा। दुनिया में तो अच्छे लोग है ही नहीं, सब टपक चुके हैं, सिर्फ तू ही एक अच्छा आदमी जिंदा बचा है। क्यों साले लौड़ू, निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को दे। अब बात करते हैं बिग बॉस शो के बारे में। तो इस शो का शुरुआत 1999 में नेदरलैंड में हुआ था, जहाँ पे इसका नाम था बिग ब्रदर, बड़ा भाई। फिर क्या, पूरी दुनिया ने इसको कॉपी कर लिया। तुम बस देश का नाम लो, वहां पे इसका कॉपी हो चुका है बिग ब्रदर के नाम पे। दूसरे देश को देख के इंडिया वालों ने सोचा भला हम क्यों पीछे रह जाएं, चलो हम भी घुस जाते हैं उस लाइन में। फिर शुरुआत हुआ इंडिया में बिग बॉस शो का। अब इंडिया वाले थोड़ी ना कहेंगे कि ये बिग ब्रदर शो का कॉपी है, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया बिग बॉस, ताकि ये दिखने में थोड़ा देसी लगे। अब इस शो का इतना डिमांड हो चुका है कि ये एक ही जगह से 7 स्टेट्स को सप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए भिन्न भिन्न लैंग्वेज में इस शो का शुरुआत हो गया, जैसे कि बिग बॉस तेलुगु, बिग बॉस तमिल, बिग बॉस कर्नाटका एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन बिग बॉस की हिंदी वर्जन की शो में होस्ट है हमारे प्यारे सल्लू भाई यानी सलमान खान। इस शो में बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, लेकिन भाई के सामने सबका जलवा फीका पड़ गया। इस शो में बिग बॉस की पहचान को सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि इस शो को बनाने वाले भी जानते हैं जिस तरह के घटिया टास्क बिग बॉस देते हैं ना, अगर किसी ने इनको पहचान लिया तो पब्लिक में इनका धुलाई हो जाएगा। बिग बॉस की शो में सारे के सारे पैसे और फेम की भूख में बिग बॉस के कहने पर नेशनल टेलीविजन पर खुद का बेइज्जती कर जाते हैं। वैसे तो बिग बॉस ने हमें एक से बढ़कर एक अनमोल रत्न दिए हैं, जैसे कि ये।
अब मैं यहाँ पे सलमान खान के बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाला, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बोला सलमान खान के बारे में कुछ भी, तो उनके चाहने वाले मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे। ध्यान से देखिए इस चपड़गंजू को, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को रोस्ट करने की वजह से सड़कों पर जलाए गए इसके पुतले, और अंडों से पड़ी इसके पुतले पर मार। अब बात करते हैं बिग बॉस की सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस शो को देखती है, और वो रीजन है इस शो में आने वाली सुंदर सुंदर महिलाएं। कंट्रोल यार, कंट्रोल। I'm joking। वो रीजन नहीं है, असली रीजन है यहाँ पे होने वाला मारपीट, झगड़ा, रेसलमानिया भी कह सकते हो। भाई झगड़ा लगा है? बिग बॉस शो में आज तक ऐसा सीजन नहीं गया जहाँ पे रेसलमानिया ना हुई हो। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आप लोग बिग बॉस देख रहे हो या फिर रेसलमानिया WWE। यहाँ पे रेसलमानिया होने का कुछ कारण है, जैसे कि यहाँ का चुतिया ताश, दूसरा हरामी इंसान। और इस शो में हरामी इंसानों का तो कोई कमी है ही नहीं, उन्हें बस सिर्फ एक छोटा सा रीजन चाहिए होता है कांड करने का, और फिर क्या, उनका कांड बन जाता है हमारा एंटरटेनमेंट। बिग बॉस चाहते हैं घर के सारे लोग मुर्गा डांस करें। बिग बॉस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे शुरू हुआ कांड, वहां पे शुरू हुआ झगड़ा सिर्फ बिग बॉस शो में ही खत्म हुआ हो। वहां पे शुरू हुआ कांड का नामा न्यूज चैनल और रास्ते पे आके उतरा है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्लिप। और मारो, और मारो, ओहो हो, लात मारो, ओ ये लात मारो, ये मारा रे मारा। अब ये क्लिप्स देखिए। ए बाबा ये तू क्या बोल रहा है यार, उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी। तो मेरे प्यारे भाइयों और लड़कियों, जो लोग इस शो को देखते हैं उन सभी के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो है ये। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, हमारे आपके आगे आने के बाद ही। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।